Ellie Armour, the house of shoes. अगर आप ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के शूज पहनने के शौकीन हैं, तो भिवंडी के मशहूर शोरूम एली आर्मर को विजिट जरूर करें, जहां आपको रीजनेबल रेट में बेहतर क्वालिटी के शूज मिलेंगे। शॉप एड्रेस है फरीद आर्केड के पास, खंडूपाड़ा रोड, भिवंडी। मजीद जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। भिवंडी के वार्ड नंबर 19 प्रभाग 4 की काकूबाई चौल से आजमी नगर तक नाले की सफाई ना होने से वार्ड की हालत बेहद खराब हो गई है। जानकारी के मुताबिक ईगल कंपनी ने ड्रेनेज के काम के लिए पुल को तोड़ा था, लेकिन नाले के नीचे से पाइप डालने के बाद दोबारा पुल तामीर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा खड्डा हो गया है, जो बारिश के दिनों में पानी की वजह से नजर नहीं आता और वहां पर काफी दुर्घटनाएं भी होती हैं। वहां की जनता इस हालत से काफी परेशान है और लेटर देकर महानगर पालिका से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रही है। भिवंडी के कचेरी पाड़ा का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर रोड के दोनों तरफ गाड़ियां पार्क की गई है। ये गाड़ियां कोर्ट के काम से आने वाले लोग पार्क करते हैं, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा है और ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। ये वीडियो हमें एक भिवंडीकर ने शेयर की है। भिवंडी कोमगांव पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट यूज करने वाले रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मुंबई नासिक हाईवे पर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने जितेंद्र पटेल नाम के रिक्शा ड्राइवर को पकड़ा और रिक्शे के डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्यूमेंट्स ना मिलने पर छानबीन की गई, जिसके बाद मालूम हुआ कि रिक्शे के नंबर प्लेट थाने में रहने वाले व्यक्ति की बीएमडब्ल्यू कार से मैच करती है। हालांकि बीएमडब्ल्यू के ओनर को इसकी खबर नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर और उसके एक नाबालिग साथी को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर दिया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं भिवंडी के महाडा कॉलोनी का है, जहां स्थानिकों के मुताबिक 5 साल से नगर सेवक झांकने नहीं आए हैं और 3-4 दिन से घर के सामने गटर खुली पड़ी है और गंदा पानी जमा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आने जाने में तकलीफ तो होती है, लेकिन घर के सामने इतनी गंदगी की वजह से बीमारियां भी फैल सकती है। भिवंडी निजामपुर सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आने वाले इलाकों के सभी लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है कि मानकोली एमबीआर के स्ट्रीम की पाइपलाइन लीक हो गई है, जिसकी मरम्मत के लिए स्ट्रीम का वाटर सप्लाई 30 मार्च 2022 सुबह 9 बजे से 31 मार्च 2022 सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा और अगले दिन पानी का प्रेशर कम होने की वजह से पानी सप्लाई कम होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में दर्ज हुए लॉकडाउन के उल्लंघन के केस को वापस लेने का फैसला किया है। होम डिपार्टमेंट ने इस हफ्ते ये प्रपोजल कैबिनेट में रखने का फैसला किया है। प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद सभी शहरी जिन पर लॉकडाउन का उल्लंघन का केस दर्ज है, उसे वापस कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी स्कूल को 30 अप्रैल 2022 तक 1 से 9वीं और 11वीं के बच्चों के रेगुलर क्लासेस जारी रखने का ऑर्डर दे दिया है। साथ ही इनका एग्जाम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लेने को कहा गया है। इस बार बच्चों को समर वेकेशंस नहीं मिलेंगे, जो कि आमतौर पर 15 अप्रैल से शुरू होते थे। ये फैसला लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पढ़ाई में होने वाले नुकसान को भरने के लिए किया गया है। भिवंडी के आसबीबी दरगाह कल्याण रोड पर हुआ भयानक सड़क हादसा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान मोहम्मद आरजू बताई जा रही है, जो कि नूरी नगर डोंगरपाड़ा का रहने वाला था। इससे पहले भी आसबीबी कल्याण रोड पर एक्सीडेंट की खबरें सामने आई है, जिसकी वजह उस रोड पर स्पीड ब्रेकर ना होना है। भिवंडी की अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मारा छापा। एडमिशन के लिए 20,000 डोनेशन लेते हुए रंगे हाथ 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद तीनों को पूछताछ के लिए शांतिनगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। आज भिवंडी ईस्ट एमएलए रईस शेख ने एमएलए फंड से किए जाने वाले कामों का जायजा लेने के लिए किया शांतिनगर का दौरा, जिसमें नूरी नगर 2 MLD पानी, संजय नगर पब्लिक टॉयलेट जैसे कामों का जायजा लिया। आपको हमारी टॉप न्यूज़ टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज़ हमें देना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।